एवरीवन, कैसे हो? आई होप सब बढ़िया होगे। मैं गणिष्का तो चली गई है बाहर धूप में बैठने के लिए। मैंने कहा चल तू चल, मैं आती हूँ अभी थोड़ी देर में, क्योंकि हमारे जो सूर्य देवता हैं वो 2023 में से 24 में आज आए हैं, क्योंकि वो थे नहीं यहाँ पे। तो हम चलते हैं धूप में बैठने। यहाँ पे रोटी के साथ की जा रही थी कलाकारी। वो किस लिए की जा रही थी? वो इसलिए की जा रही थी कि यहाँ पे बिटिया रानी नहीं खा रही थी खाना। बोला कुछ इस तरीके की डिजाइन में हमें रोटी चाहिए तो हम खाएंगे, नहीं तो खाना हम नहीं खाएंगे। यहाँ पे सीधी सीधी धमकी मिल चुकी थी, फिर उसके लिए खाना बना के दिया गया जिससे वो खा ले। साथ में फिर ये भी बोला गया कि इस तरीके का ही खाना बना के दोगी तो खाऊंगी, नहीं तो मैं नहीं खाऊंगी। फिर हमारा मन किया चाय पीने का, तो हमने चाय बननी रख दी और चाय हमारी हो गई है रेडी। ये चॉकलेट इतनी सारी किसने भेजी है? पापा। पापा ने भेजी है। ये कहा था आप अकेले खाना? हाँ, नहीं, और आप साथ में मिलके खाना। मिलके खाना? अच्छा, तो आप फिनिश कर दोगी? ना तो हम गए थोड़ा गार्डन की तरफ, देखा तो यहाँ पे मम्मी साग काट रही थी ऑलरेडी पहले से ही। मम्मी ने कहा साग बना लेना, मैंने कहा मम्मी मैं खुद ही साग काटने आ रही थी, देखा तो मम्मी ने पहले ही काट लिया था। फिर यहाँ पे देखा तो बैंगन भी लग रहे थे, मैंने कहा मम्मी बैंगन भी काट लाना। फिर गणिष्का बोलती, एक पड़ोस की आंटी आके बैठ गई थी मम्मी के पास। मम्मी ने कहा साग मैं काट देती हूँ, तू अपना कुछ और तैयारी कर ले। मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ पे मम्मी ने साग काट के रेडी कर दिया था और आंटी बैठी थी, मैं उनके लिए चाय बनाने चली गई थी। मैंने कहा आप दोनों बातें करो और मेरा साग भी कट जाएगा। मम्मी कह रही कि हाँ ठीक है, मैं तेरा साग काट देती हूँ, तू चाय बना के ला। यहीं पे मेरा काम कुकर में रख दिया है मैंने साग बनने के लिए, और इसमें सीटी लग चुकी थी 3-4 और मेरा साग ये घुल चुका था अच्छी तरह। अब तैयारी है इसको बनाने की। साग को किया हमने यहाँ पे घोटना अच्छी तरह से, खूब मेहनत करी इसको घोटने में हमने। अब हमारे यहाँ पे साग हो गया था बिल्कुल टेढ़ी, बिल्कुल नहीं, अभी छौंक लगेगा। अब इसमें मैंने हींग को मिक्स कर दिया था, फिर मैंने एक बाउल में लिया मक्के का आटा, उसमें डाला पानी, अच्छी तरह घोल बनाया और साग में डाल दिया हमने। इसको हम बोलते हैं आलन लगाना। फिर हमने इसको मिक्स कर दिया अच्छी तरह और खदकने के लिए रख दिया। जितना हम इसको उतना ही यमी बनेगा। इसके बाद मैंने लिया लहसुन और उसको कूटा अच्छी तरीके से, इसमें डाली मैंने कुछ हरी मिर्च और साग हमारा खदक के बिल्कुल हो चुका था रेडी छौंक लगाने के लिए। यहाँ पे मैंने छौंकी कर दिया तैयारी, जिसमें मैंने डाला है सरसों का तेल और यहाँ पे गर्म होने के बाद उसमें जो मैंने कूटी थी लहसुन मिर्च, आप डाल सकते हो प्याज भी, बट मैंने नहीं डाली है। और मेरा छौंक यहाँ पे होकर रेडी, मैंने छौंक दिया है साग को। अब मैंने इसमें ऊपर से डाली थी लाल मिर्च और थोड़ा सा नमक, नमक ऑलरेडी मैंने पहले डाल दिया था। इसके बाद साग हो गया हमारा ओके। मैंने पापा जी के खाना लगाने की तैयारी। यहाँ पे मैंने ली है छाछ एंड साग, मक्के की रोटी और साथ में है गुड़। तो आइएगा खाइएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।